प्रेरणा कथा। वो आ गया था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक देवदूत को देख रही थी, मेरा अपना छोटा सा देवदूत। उसकी गुलाबी त्वचा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी कलाकार ने बहुत ही परिश्रम करके उस गुलाबी त्वचा को उसके शरीर पर लगाया था। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद थी और वो वेंटिलेटर के अंदर शीशे की दीवारों से घिरा एक नली से हल्के हल्के सांस ले रहा था। उसके शरीर पर कुछ तारें लगी हुई थी, इसीलिए मेरे लिए उसके पूरे शरीर को दूर से देखना संभव नहीं था। मैं खुश तो बहुत थी पर उससे अधिक अधीर हो रही थी। मैं उस छोटे से शरीर को छूना चाहती थी, चूमना चाहती थी, लेकिन इनक्यूबेटर की दीवारें मेरे और उसके बीच में बाधा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना बच्चा उस शीशे के इनक्यूबेटर में बंदी बनाकर रखा गया था। मैं उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेना चाहती थी। तभी अचानक मेरे अंदर एक बार फिर से ग्लानी उभार मारने लगी। मुझे खुद से ही शर्मा रही थी क्योंकि कुछ महीनों पहले ही मैं उस नाजुक से देवदूत के जीवन का अंत करना चाहती थी। मैं सिर्फ 17 बरस की माँ बनने से बहुत ही भयभीत थी उस समय और मुझे कुछ भी सोच नहीं रहा था। मैं उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। मैं अपनी उस माँ का सामना करने में बहुत ही डर रही थी जिस माँ ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे। मैं उस पिता का सामना करने में भी असमर्थ थी जो हमेशा मेरा भला ही चाहते थे और मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। किसी तरह मैं बहुत ही संघर्ष के बाद उस बच्चे को जन्म देने को तैयार तो हो गई थी, पर जब मुझे मालूम चला कि उस बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होने वाला था तो मुझे बहुत ही घबराहट होने लगी थी। मैं उठकर उस बच्चे को नज़दीक से देखना चाहती थी, परंतु मेरे पेट के टाँके अभी कच्चे थे और बहुत दर्द हो रहा था। मैं उस समय एक पहियों वाली कुर्सी पर थी। मेरी नर्सी मुझे धकेल कर उस बच्चे के पास तक ले गई थी। तभी अचानक नर्स ने कहा, मिस लार्सन, अब आपको आराम करना चाहिए। मेरी नर्स ने मुस्कुराकर मुझे कुर्सी पर थोड़ा पीछे खींचकर आराम से कर दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने बच्चे को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। काश उस बच्चे के साथ मुझे पूरा दिन और पूरी रात हमेशा को बिताने को उसी दिन से मिल जाते। अस्पताल के मेरे कमरे में मेरे साथ एक 24 बरस की औरत भी थी। वो बार बार बस यही शिकायत कर रही थी कि उसका पति उनके बच्चे को देखने के लिए तब तक भी नहीं आया था। उसके पति को शायद किसी काम से देरी हो गई थी वहाँ आने में। वो बार बार कह रही थी कि वो अपने पति को दंड देगी। मैंने उसकी तरफ दुख से मुस्कुराकर कहा, कुछ ही देर में आपके बच्चे का पिता फूलों का गुलदस्ता लिए इस दरवाजे पर खड़ा होगा और आप शिकायत कर रही हैं, मेरे बारे में तो सोचिए। मेरे लिए तो कोई मर्द उस दरवाजे पर खड़ा होने वाला नहीं है मुझे घर ले जाने के लिए। मेरे शब्द सुनकर वो औरत चुप हो गई। अचानक मेरे दिमाग में वो नाम गूंजने लगा, ल्यूक टेलर। जैसे ही मुझे उसकी याद आई मैं और भी उदास हो गई। उसको मिलने से पहले तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है। वो उस समय 19 वर्ष का था और वो अपने पिता की कंपनी में पिता के नीचे ही काम करता था। मुझे उसके साथ बिताए हुए सुंदर पल याद आने लगे। स्कूल के बाद वो मेरा इंतज़ार किया करता था और मैं दौड़ कर आती थी और उसकी पोर्शे कार में उसके बगल में बैठ जाती थी। अमीर बाप का वो अमीर बेटा किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं दिखता था और उसकी अपनी उस महंगी कार में बैठा हुआ। वो स्कूल के बाद मुझे किसी अच्छी जगह पर घुमाने ले जाता था या फिर किसी रेस्टोरेंट में कुछ खिलाता पिलाता था। मुझे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसकी बातें सुनकर मैं सपनों की दुनिया में खो जाती थी। वह एक परिकथा जैसी कहानी थी हमारी। फिर जब मैं गर्भवती हो गई वो छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। वो मुझे ही दोष देने लगा कि मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई थी कि गर्भ ठहर गया था। मैं बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है वो मेरे गर्भवती होने की बात सुनकर कैसे गुस्से में मेरे कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा था और दीवारों पर मुक्के मारने लगा था। उसको बच्चा नहीं चाहिए था, ये तो स्पष्ट था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो मुझसे संबंध तोड़कर चला गया।
मैंने किसी को भी मेरे पेट में बड़े हो रहे बच्चे के बाप का नाम नहीं बताया था, क्योंकि मैंने ल्यूक को वचन दे दिया था कि मैं चुप रहूंगी। मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछते ही रह गए कि मेरे बच्चे का बाप कौन था, पर मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि ल्यूक को वो लोग अदालत में घसीट लें और फिर उस पर मुकदमा कर दें। मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग ल्यूक या उसके पिता से उस बच्चे को पालने के लिए पैसे मांगे। बच्चे की हालत ठीक नहीं थी और उसको अस्पताल में इनक्यूबेटर में ही रखा गया। मुझे 5 दिनों के बाद छुट्टी दे दी गई। मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं अपने माँ के कंधे पर सर रखकर रो रही थी अस्पताल से जाते समय। मैं बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, उसको दूध पिलाना चाहती थी, उसको नहलाना चाहती थी और उसको अपने सीने से चिपका कर रखना चाहती थी, पर वो संभव नहीं था। मैं अपने बच्चे को दिन में 2 बार अस्पताल में देखने जाने लगी। मेरे टांके तो ठीक हो गए थे और दर्द भी गायब हो गया था। उस दिन मैं बच्चे को देखने उस कक्ष में दाखिल हुई जहाँ मेरे बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा गया था। मैंने देखा कि उसके शरीर में कुछ तारें हटा ली गई थी। मुझे कुछ कुछ आशा बंधने लगी थी। मैंने अपने हाथों पर दस्ताने पहन लिए और अस्पताल के द्वारा दी गई नीली ड्रेस पहन ली और उस इमरजेंसी कक्ष में दाखिल हो गई जहाँ मेरे बच्चे को रखा गया था। जैसे ही मैं अपने बच्चे की तरफ जाने लगी, मैं अचानक रुक गई क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा गला अचानक ही सूख गया और मेरी टांगें कांपने लगी। हालांकि उसने भी अस्पताल की नीली ड्रेस और दस्ताने पहन रखे थे। मैं ल्यूक को पहचान गई थी। मैं सोचने लगी कि ल्यूक वहाँ पर क्या कर रहा था, वो क्या चाहता था। मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठने लगे। इससे पहले कि मैं संभल सकती, ल्यूक मेरी तरफ घुमा और पास आकर मुझे बाहों में लिया। मैं उसकी सिसकियों की आवाज़ सुन रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो आ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।